हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी सूजी के अप्पे बनाए हैं। मैंने इनको बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाया है, तो ये बहुत हेल्दी भी हैं। तो आप इनको कभी भी हल्की फुल्की भूख में या जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आप इनको बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। सूजी इसमें डालेंगे, आधी कटोरी बेसन डालेंगे, आधी कटोरी दही डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए बीन्स डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, एक बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक तिहाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डालेंगे, और एक स्पून की सहायता से दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। सब्जी आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी ऐड कर सकती हैं, और कोई भी सब्जी आप इसमें से हटा सकती हैं। और ये मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे, और इसको एक अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं। और अब ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और इसी तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। और मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया था, और इसमें एक कप पानी का यूज हुआ है। और अब हम इसमें एक तिहाई चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक तिहाई चम्मच से भी कम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप इसमें आधी चम्मच इनो भी डाल सकती हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं, और सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, अप्पे बना लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके अप्पे पैन रखेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद जो हमने बैटर बना के रखा है, उसमें से हम एक एक स्पून भर के डाल देते हैं। हमें इनको पूरी तरह से नहीं भरना है, क्योंकि अब ये फूलेंगे। तो इसी तरह से हम सारे अप्पे पैन में बैटर डाल देते हैं। और ये मैंने बैटर को अच्छे से इसमें भर दिया है। अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, और 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और अब हम अप्पे को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकती हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है, और अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब हम इनको नीचे से चेक कर लेते हैं कि सिके हैं कि नहीं। तो आप देख सकती हैं इनका कलर चेंज हो गया है, यानी कि अच्छे से सिक गए हैं। इसी तरह से हम सारे अप्पे को पलट देते हैं। और ये मैंने सारे अप्पे को पलट दिया है, और इसी तरह से हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए नीचे से सिकने देते हैं। और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इनको नीचे से फिर से चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकती हैं इनका कलर नीचे से भी चेंज हो गया, यानी कि नीचे से भी सिक गए हैं। तो अब हम इनको एक दो मिनट के लिए इसी तरह से अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। और ये मैंने इनको अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। और अब हम इनको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी सूजी के अप्पे बन के तैयार हैं। आप देख सकती हैं कितनी जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।